अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है यहाँ पर फ्राइडे का दिन और इस वक्त सुबह के 8:30 या फिर 8:45 कुछ हो रहे थे और मेरे हस्बैंड गए थे फ़िश लेने। वैसे आज फ्राइडे है तो यहाँ पर छुट्टी का दिन होता है ना, तो सुबह सुबह चले जाते हैं क्योंकि फ़िश मार्केट ने बहुत ही नज़दीक है और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फ़िशेस मिल जाती है, काफ़ी फ्रेश होती है और उनके प्राइस भी ना काफ़ी कम होते हैं। और ये देखिए, छुट्टी की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे थैले भर भर के फ़िश लेकर जा रहे हैं क्योंकि प्राइस काफ़ी लेस होते हैं और फ़िश भी बहुत फ्रेश होती है। वैसे यहाँ पर ना, ये जो अलकूत मॉल है, यहाँ पर फ़िश मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट्स मार्केट और मीट मार्केट, चिकन मार्केट, यहाँ पर सारी मार्केट्स है। तो बाकी चीज़ों के लिए हम तो यहाँ पर नहीं आते क्योंकि जो रेट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन जो फ़िश है वो काफ़ी फ्रेश मिलती है और उनके रेट्स भी रिजनेबल होते हैं। तो फ़िश वगैरह ना हम यहीं से लेकर जाते हैं। जब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो ना तो फिर हम लोग भी सब साथ में आते हैं यहाँ पर सुबह के वक्त में, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और बाहर ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो इस वजह से बच्चों को लेकर फिर मैं नहीं आई, क्योंकि मैं आऊँगी तो जाहिर सी बात है बच्चे भी साथ में आएंगे। तो ये अपने फ्रेंड के साथ में गए हुए थे। ये जो बोट्स नज़र आ रही है ना, इन्हीं बोट्स पे सारी फिशेस आती है। तो खैर देखते हैं अंदर इन लोग किस तरह की फिश लेते हैं। क्या लेने का, क्या लेने का? सुरमई है। कैसे थे किंग फिश? किंग फिश दो दिन आ रहे, दो दिन, दो दिन आ रहे। बड़ी लेना है, मीडियम लेना है? दो लेना चाहिए। आई लो अंदर रखे। एक किलो नहीं, एक फिश आएगी आपकी। एक फिश चाहिए? फिश आती है? आप फिश ताज़ा। ये सही है? इतनी बड़ी सही है? कैसे बड़ी? ये कितना किलो रहेगा? ये देखो, और एक किलो रूपा, एक किलो रूपा है। दो पीस लेना? नहीं नहीं, उसको उसको साफ करो, फ्राई करके खाने में। हाँ, सुल्तानी फ्राई। बैंगड़े ले ले, बैंगड़े ले ले। ये शेयरी है? क्या फ्राई करते हैं? बड़ा लेंगे तो वो कारी भी चलता है, तो उसका फ्राई कैसा लगेगा? बड़ा वाला है इसमें? हाँ, इसका बड़ा वाला है। नहीं नहीं, मेरा पास अभी छोटा। ये 3-4 पीस ट्राई करेगा। एक किलो ले लो। कितने का है वो? एक किलो वन एंड हाफ। नहीं नहीं, वन एंड हाफ का मत दो। आप दूसरा दुकान में देखो, बाद में पैसे दो। भाई मैं कभी खाया नहीं ना, मैं ट्राई करने के लिए ले रहा है। अच्छा, कैसा अच्छे, मैं बोला ना अच्छा है तो मेरे पास आएगा ना बाद में। आपको अच्छा लगता रहेगा, मेरे को लगेगा कि नहीं, उसने बोल रहा हूँ मैं। 4 पीस दोगा? नहीं, 4 पीस साफ कर दो। देखो इसके पास अमेजिंग वाला, वो बड़ा वाला, बड़ा वाला ही लेने का। छोटा ले लेना, वो दांत में भी नहीं फंसते भाई। झींगा कैसा दिया? वो 3 दिनार है। 3 दिनार? 1.5 दिनार। 2.5 दिनार में? 2 दिनार 750। 2.5 में? तो 2.5 में। एक एक किलो अलग करके, एक एक किलो अलग करके वेट करना, क्लीन कर दो। How much this? This one? This one? Yellow? Yeah. This one? तो देखिए, यहाँ पर फ़िश लेकर आ चुके हैं और जब भी ये फ़िश लेने के लिए जाते हैं ना, तो मैं हमेशा बोलकर भेजती हूँ कि कम लेकर आना और जो फ़िश हम लोग खाते हैं ना, बस वही लेकर आना, एक्सपेरिमेंट मत करना।
लेकिन इनको शौक है फिश खाने का बहुत ज़्यादा, तो इन ये ना कभी कभी अलग अलग से फिश लेकर आ जाते हैं, मतलब इन्होंने देखा कि अच्छी दिख रही है तो फिर वो ट्राई करने के लिए ना ले आते हैं। तो खैर बच्चे मेरे नहीं खाते क्योंकि जो दो तीन गिनी चुनी फिशेस है ना बस वही खाते हैं वो लोग, जैसे कि पापलेट खाते हैं और किंग फिश ही ज़्यादा खाते हैं, और ये प्रॉन्स लेकर आते हैं तो वो भी अकेले खाते हैं और कोई नहीं खाता प्रॉन्स। तो खैर ये यहाँ पर ना ये देखिए ये 1 kg प्रॉन है और इसको ना इन्होंने मतलब क्लीन करके दिया, ऊपर से इसके जो कवर होते हैं वो निकाल दिया, लेकिन इसको ऊपर से ना फिर और क्लीन करना होता है और उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। ये जो फिश है ना छोटी वाली, ये है यहाँ की सुल्तान इब्राहिम और ये बहुत टेस्टी होती है, तो ये हम लोग अक्सर लेकर आते हैं। ये साइज़ में बहुत छोटी है फ़िलहाल, और इसमें बड़ी साइज़ की भी आती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन इसको अगर फ्राई करें ना ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो ये जो हमारे इंडिया में जो कौन सी मांदेली फ़िश होती है ना, मांदेली फ़िश, ये बिल्कुल उस तरह की होती है और बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बस वही किंग फ़िश ही होगी, तो किंग फ़िश लाया है इन्होंने। ये भी मैंने कहा था कम लेकर आना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेकर आ गए। वो इतनी सारी फ़िशेस को साफ़ करना और उसके बाद इसको स्टोर करना ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं ना इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद में ही रखती हूँ, और जिस तरह जितना मुझे ज़रूरत होती है एक टाइम पे पकाने की ना, उतनी बड़ी बड़ी मैं पैकेट्स बना के रखती हूँ, तो ये इनको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, और उसके बाद फिर जब पकाऊँ ना तो फिर वो खाई भी नहीं जाती, मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, इसीलिए मैं इनसे कहती हूँ कम लेकर आना, लेकिन ज़्यादा ही लेकर आ गए। तो खैर ये थी किंग फ़िश, और दूसरी इन्होंने एक लाई है जो कि मैंने आपको बताया था फ़िश मार्केट में ये लोग बात कर रहे थे ना उस फ़िश की, तो वो लेकर आए हैं। और ये है यहाँ की ना शेरी, इसका नाम है शेरी, तो ये पहले भी ला चुके हैं, इन्हें नहीं पता है लेकिन मुझे पता है ये पहले भी ला चुके हैं, और इसको ना सिर्फ फ्राई करना होता है, मतलब कि बेशक आप कढ़ी वगैरह भी बना सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ फ्राई करती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन बस ये कि इसमें ना कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे किंग फिश में बस एक कांटा होता है ना वो निकाल के इजीली आप दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं, बहुत देख देख के देना पड़ता है। तो देखिए ये सारे फिश को सबसे पहले तो मुझे अच्छी तरह से क्लीन करना है, क्योंकि जब तक पड़ी रहेगी ना तो फिर घर में स्मेल आती रहती है, तो इसलिए ना इसको सबसे पहले क्लीन करेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे, पहले इसका काम ख़त्म करते हैं। ये लाना था ना आपने? अरे यार वो अभी इतना तो क्लीन, वो रश बहुत रहता ना उधर पे, फिर इसको कैसे निकालना? हमने टॉवेल दो रेयान को, ये कैसे निकालूं? इसके तो दांत भी है अंदर, ये देखे वो दांत निकाल दो, मतलब इसको निकालूं कैसे मैं? उसको कट कर दो ना बड़ी वाली छुरी से, ये सारा यहाँ से? अरे यार वहाँ से नहीं, पहले आँख निकालो उसकी, हाथ डालो अंदर, आँख कैसे निकालो? डालो अंदर, डालो हाथ, ये पैक है अंदर से। अरे तस्कीन आप पैक दिख रहा है लेकिन अंदर डालो ना, हाथ जाता है उधर से, फूट जाएगी उसकी आँख, फूटेगी। अच्छा भाई ऐसा ग्लव्स पहन के रेडी हुए हो जैसे, कहाँ निकल रही है? पकड़ो ये, पकड़ो आप, लाओ मुझे दो, पकड़ो, छोड़ दो आप उसको, छोड़ दो, इससे निकालू स्पून? अरे यार, अरे मतलब छुरी से निकालू? अरे ऐसे ही निकलती है वो उंगली से, ऐसा? हाँ कैसा निकली? वो ताजी है ना, तो वो एकदम वैसी है वो, फिर ये भी तो काटना है ना, आप पहले आंखें तो निकाल दो, आप निकाल के दे दो, आप प्लास्टिक पहने हो ना इसके लिए, वो निकाल दो, ग्लव्स निकालो आप, छोड़ो, नहीं मैं ग्लव्स निकाल के नहीं करूंगी ग्लव्स, अरे हमदान टॉवेल दो यार इसको, ये देखे निकल गई, निकल गई, बांध दो रे उसको, कुछ और चाहिए क्या? कपड़ा दे दो उसको, अभी वही पहन रहे हैं, कपड़ा नहीं मैं देती हूं उसके लिए बस, हां सही है, अभी वो अंदर तो क्लीन है पूरा, वो इसको कट करना, उसको वो कैंची से, कैंची है ना आपकी सीजर, हां उससे कट कर दो उसको, पहले आइस निकाल दो, हां सब आइस निकाल लो, तो इसकी भी सारी निकालनी है, वो तो जल्दी निकल जाएगी यार, वो छोटी छोटी है वो वाली, तो आप मुझे निकाल के दे देंगे प्लीज? तो मैं आपको जब से क्या चाइनीज में बोल रहा हूं, हां प्लीज मुझे निकाल दो, जाओ उसको कपड़े दो, आप इसकी आंखें निकाल दो, मेरे को हमदान हमदान नहाने जाओ, फिर अभी नमाज का टाइम हो जाएगा, जल्दी जाओ, नहीं मुझे नहीं चाहिए ग्लव्स, ग्लव्स ग्लव्स पहन लो नहीं तो इसके कांटे लग जाएंगे यार, वो शार्क मछली नहीं है जो ऐसा डर रहे हो आप उससे, इसमें कांटे हैं, ये देखिए इसके दांत भी है, जाओ आप जाओ, लोगों कपड़े धो रहे हैं हान को, एकदम सिंपल है तस्कीन, इधर हाथ डालने का इसके, हाथ में लग जाएगा, ये देखो निकल गई, हाँ निकल गई, ये देखो ये सब है ना, पुल किससे सीखे मालूम है? किससे सीखे? अम्मा से सीखे, एकदम इजी है इसका फिश का ये निकालना, ये देखो
ग्लव्स पहन के निकाल रहे हो? क्योंकि उसके अंदर कांटे हैं इसलिए बोल रही थी। अब सीखे नहीं कुछ, मेरे घर में रह गए डेढ़ ढाई साल। सीखी थी ना मैं क्या फिश वॉश करना। ये ना एक्चुअली एकदम फ्रेश फिश है, आप संभालो हाथ में ना लग जाए। ओके अभी तो मैं कर लूंगी, आप रहने दो जाने दो। रहने दो मैं कर देता हूँ, भी है ही कितनी उसमें, एक और है। सुनती मरियम आप निकालते तो अभी तक निकालते ही रहते थे उसको ग्लव्स पे। वो सही में नहीं निकली, आप देखे ना कितनी सख्त है। ग्लव्स में इसलिए पहनी थी क्योंकि उसके अंदर है ना कांटे, वो लग जाते हैं हाथ में। वो क्या लेदर ग्लव्स है जो कांटे नहीं लगे हैं? प्लास्टिक है पतली हो। फिश वाले से निकलवा के लेना था। अरे आज रश है यार उधर बहुत, ये निकल ही नहीं रही है वाली तस्की। ओके ओके चलो, वो तो वो उसको काटेंगे ना तो वॉश करने में आ जाएगी। मैं सीजर लाती हूँ रुके, बस ये दिदाशा पिना दो। बट ना एकदम बासी बासी थी। आप बोलो ना। ये फ्रेश थी तो ये ले लिया। ये मांदेली के जैसी लगती है इसको, छोटी वाली, छोटी वाली। अब यहाँ पर हमारी फिश जो है ना वो अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है, तो अब मैंने इसको अलग अलग से पैकेट्स बना के रखना है। और अभी जो पकाना है ना उसमें मसाले भी लगाने हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर 10:30 हो गए हैं और हमें भूख लगी है, तो नाश्ता करना है, उसके बाद हम फिर से फ़िश का काम करेंगे। वैसे इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, और वो जब भी फ़िश लाते हैं ना तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उनको ये काम करना अच्छा लगता है। इनको सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और वो साफ़ वगैरह करने का काम भी मेरे साथ में कर देते हैं। तो खैर आज जो है ना हमने नाश्ते में पराठे वगैरह नहीं मंगवाए हैं, आज हमने साउथ इंडियन नाश्ता मंगाया है। बहुत दिनों से एक्चुअली मेरा मन कर रहा था कि मसाले डोसे वगैरह खाने का, तो हमारे जो बिल्डिंग के नीचे है ना एक न्यू होटल खुली है, तो वहाँ से हमने आज नाश्ता मंगवाया है। देखते हैं इनका नाश्ता, चेक करते हैं कि किस तरह का है। अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा भी मंगवाएंगे। वैसे ज़्यादातर पसंद नहीं आता है यहाँ वहाँ का, क्योंकि हमें आदत हो गई है पराठे खाने की, तो सुबह में हम पराठे ही खाते हैं। लेकिन फिर भी मसाला डोसा भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनका मसाला डोसा चेक करते हैं। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, और ये जो वड़े हैं ना ये तो बिल्कुल गरम गरम है, हाथ में पकड़े भी नहीं जा रहे, इतने ज़्यादा गरम है, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली ये होटल तो पहले से थी और यहाँ से हम अक्सर मसाला डोसा वगैरह मंगाते थे, लेकिन बीच में ये बंद हुई थी और अब इसे ना किसी और ने ले लिया है, तो जब से हमने फर्स्ट टाइम मंगवाया चेक करने के लिए कि किस तरह का है। मसाला डोसा वगैरह का तो ऐसा सीन है ना कि अगर आप बैठ के कहीं पर खाते हो तो वो जो गरम गरम तवे से निकल के जो प्लेट में आता है ना, तो फिर उसकी बात अलग रहती, लेकिन इस तरह से अगर पैकेट में बांध कर आए ना आपके पास तो फिर वो, बट ऑब्वियस थोड़ा सा तो वो सॉफ्ट हो जाता है, वो नरम हो जाता है, तो उसकी वो बात नहीं रहती, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था। और इसका जो सांभर था ना ये भी बहुत अच्छा था, तो हमने अच्छे से नाश्ता किया। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम फिर से आ गए हैं किचन में, क्योंकि मुझे फ़िश को मसाला लगाना था। तो मसाले मैं इसमें किस तरह से लगाती हूँ और कौन से मसाले लगाते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलें। और इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई हो, और अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।